असल स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल सी हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल वैन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि वैन एफ ऑफ एक्स इज इन एक्सपोनशियल फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था तो उसका हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का अब अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन की फॉर्म में हो या कॉस की फॉर्म में हो तो उसके लिए भी क्या करना है हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको वन ओवर एफ ऑफ डी साइन ए एक्स लिख लो और अगर कॉस है तो वन ओवर एफ ऑफ डी कॉस एक्स लिख लें ठीक है इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम्पल नाइन है इसमें मैथामेटिकल uh, मैथड की बुक में बाय एस एम यूसुफ उसमें एग्जाम्पल नाइन गिवन है सोल्व दिस डिफरेंशियलेशन अब राइट हैंड साइड पे यहां पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी गिवन है तो पहले क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर ले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं तो यहां सेक्स अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए करो वन ओवर एफ ऑफ डी इंटू साइन एक्स अब नेक्स्ट यहां से आपने पॉइंट को समझना है अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास साइन थ्री एक्स है इसमें एक्स का जो कॉफिशेंट है उसको हमने डी की ईवन पावर्स में पुट कर देना है ई डी की इवन पावर्स में किस तरीके से पुट करना है यानी थ्री का स्केयर लेके और उसका नेगेटिव ले लेना है अगर डी स्केयर है ना तो यहाँ पे हमने क्या करना था थ्री स्केयर एंड इट्स नेगेटिव यानी कि साइन एक्स है तो हमने क्या करना है अगर डी स्केयर गिवन है तो डी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा ए स्केयर एंड इट्स नेगेटिव के अब यहाँ पे x का कोफिशन क्या आ रहा है थ्री आ रहा है तो हमने डी स्केयर को रिप्लेस कर देना है विद माइनस थ्री एक्स केयर यानी थ्री का स्केयर एंड देन इट्स नेगेटिव तो वन ओवर माइनस थ्री डी स्केयर सिर्फ d की इवन पावर्स को रिप्लेस करना है सिंपल अब यहाँ पे फाइव डी था तो ये एज इट इज आ गया प्लस सिक्स ऐसे ही आ गया माइनस थ्री स्केयर आ गया है माइनस नाइन के इक्वल इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया है माइनस वन ओवर फाइव डी प्लस थ्री साइन थ्री एक्स अब हमें तो इस d को भी रिमूव करना है ना तो इस d को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे अगेन d स्केयर बन जाए तो d स्केयर बनाने के लिए क्या करो कि कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वन ओवर फाइव डी प्लस थ्री था तो फाइव डी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया और साथ में साइन थ्री एक्स जो है वो एज़ इट इज़ आ गया सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे यह बन गया डी स्केयर बन गया अगेन अब डी स्केयर में जो एक्स का कोफ़िशेंट है उसका स्केयर लेके और उसके नेगेटिव को ऐड कर दें तो यहाँ से आ गया आ, जी ये आ गया तो यहाँ डी की जगह पे पुट किया है माइनस थ्री स्क्र माइनस नाइन सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आ जाता है मजीद इसको सिंप्लीफाई करने से कैंसिल आउट करने से हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है एंड देन हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं दैट इज़ वाई सी प्लस वाई बी ठीक है यानी साइन है या कॉस है उसमें हमारे पास एक्स का जो कोफ़िशेंट है उसको हमने डी की इवन पावर्स में पुट करना है बट किस तरीके से पुट करना है उस ए का स्क्र लेके और देन उसका नेगेटिव पुट करना है ओके okay, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल टेन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म भी है और कॉस वाला फंक्शन भी है अभी हमने पहले पढ़ा था एक्सपोनशियल टर्म हो तो उसको किस तरीके से करते हैं कॉस या साइन सिंपल आ रहे हो तो उसको कैसे करते हैं अब यहाँ पे क्या है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो पहले सिंपल इसका हमने वाई सी कैलकुलेट कर लिया है यानी यहाँ से क्रेटिस्टिक इक्वेशन ये बनेगी अब डी क्यूब है तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे यानी फर्स्ट आपने चेक कर लेना है कि टू इसका रूट था फिर देन अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या किया वन ओवर वन ओवर डी क्यू प्लस डी स्केयर माइनस फोर डी माइनस फोर इस तरीके से लिख लो या अब यहाँ पे आपने क्या करना है जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो आपने इनके रूट्स की फॉर्म में लिख देना है यानी वन ओवर डी माइनस टू यानी इस फॉर्म में लिख देना है अगर डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू एंड सो ऑन डी माइनस एम एन तक आ रहे हैं ठीक है तो अब यहाँ पे एम वन क्या है फर्स्ट रूट क्या है टू तो डी माइनस टू सेकेंड है माइनस टू तो डी प्लस टू आ गया एंड डी प्लस वन आ गया रूट्स अब नेक्स्ट इसमें देखें हम एक रिजल्ट यूज़ करते हैं थेरम यूज कर रहे हैं कि इफ़ ए इज़ नॉट ए रूट ऑफ़ एफ ऑफ डी इस केस में अगर हमारे पास जो ए है वो एफ ऑफ डी का रूट नहीं है या उसका ज़ीरो नहीं है देन हमारे पास वन ओवर एफ ऑफ डी माइनस ए ई एक्स एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म पहले और एफ ऑफ डी माइनस ए को हमें हम डी को रिप्लेस कर देते दे हैं विद डी प्लस ए देन एफ ऑफ एक्स देन दिस रिप्लेसमेंट ऑफ डी बाई डी प्लस ए इज़ नॉन एज द एक्सपोनेंशियल शिफ्ट एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या है कि अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन है वन ओवर एफ ऑफ डी माइनस ए ई एक्स एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास इसी फॉर्म का फंक्शन बन रहा है अब वो कह रहा है अगर ये वाला जो ए है इस फंक्शन का यानी एफ ऑफ डी का अब यहाँ से आप देखो इस क्वेश्चन में ए है हमारे पास टू तो क्या टू इस फंक्शन का जीरो है नो no, टू इस फंक्शन का जीरो नहीं है टू का अपपुट करो तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका जीरो नहीं बनेगा तो अगर जीरो नहीं बन रहा तो आपने क्या करना है डी को रिप्लेस कर देना है विद डी प्लस ए से और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को पहले लिख लेना है तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हम क्या करेंगे ई बार टू एक्स को पहले लिख लो और जहाँ जहाँ पे डी है उसको रिप्लेस कर दो विद डी प्लस ए अब यहाँ पे ए क्या है टू है तो डी प्लस टू कर दो तो यहाँ पे डी प्लस टू किया डी की जगह पे डी प्लस टू किया डी प्लस टू माइनस टू तो सिंपल आ गया यहाँ से आंसर डी ये आ गया देन यहाँ से आप देखो डी प्लस टू था अगेन डी प्लस टू प्लस टू तो डी प्लस फोर आ गया अगेन यहाँ पे d को रिप्लेस किया विद डी प्लस टू प्लस वन था तो डी प्लस थ्री कॉस थ्री आ गया ठीक है सिंपल आपने देखना है कि क्या अगर एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है कॉस के साथ तो अगर a जो है वो ज़ीरो नहीं है उस एफ ओफ डी माइनस ए का देन हमने क्या करना एक्सपोनेंशियल को पहले लिख लो और d को रिप्लेस कर दो विद डी प्लस ए ठीक है तो यहाँ से अब इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया है तीनों टर्म्स को तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई अब अगेन जैसे प्रीवियस किया था कि कॉस था या साइन था तो कॉस का जो कॉफिशेंट है थ्री है अगर कॉस का जो भी कॉफिशेंट कॉस में एक्स का जो कॉफिशियंट है उसको हमने डी की इवन पावर्स में पुट करना है यानी हमने क्या करना था डी स्केयर को इक्वल रखना था माइनस ए स्केयर के थ्री का स्केयर एंड इट्स नेगेटिव अब यहाँ पे तो डी क्यूब बन रहा था जबकि हमें पता है डी क्यूब कैन बी रिटर्न एज डी स्केयर इंटू डी तो डी स्केयर की जगह पे मैंने माइनस थ्री स्केयर पुट किया और ये वाला डी जो है वो एज इट इज आ गया प्लस सेवन इंटू डी स्केयर था तो माइनस थ्री डी स्केयर और ट्वेल्व डी एज इट इज आ गया सिम्प्लीफाई किया है इसका सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ गई और अगेन हमने इसको थ्री कॉमन ले लिया तो ये टर्म आ गई अब हमें यहाँ पे अगेन डी स्केयर बनाना है तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ डी स्केर बनाने के लिए क्या करना है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट इसका क्या आ गया डी प्लस ट्वेंटी वन ओवर डी प्लस ट्वेंटी वन इंटू दिस वन इसको हमने सिम्प्लीफाई किया अगेन डी स्केयर आ गया तो डी स्केयर की जगह पर हमने क्या पुट करना है थ्री स्केयर एंड इट्स नेगेटिव तो थ्री एंड इट्स नेगेटिव और बाकी टर्म एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब यहाँ से देखें d प्लस ट्वेंटी वन था d प्लस ट्वेंटी वन को मल्टीप्लाई करना है विद कॉस थ्री एक्स तो d का मतलब बेसिकली d हम लेते हैं ना दैट d इज इक्वल टू डेरीवेटिव होता है d ओवर डी एक्स होता है ये तो d इन टू कॉस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन कॉस्ट थ्री एक्स एज इट इज आ गया अब डी का मतलब है कि आपने कॉस्ट थ्री एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ से कॉस्ट थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस थ्री साइन थ्री एक्स इनको सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये है हमारे पास इसका जो है जनरल सोल्यूशन आ जाएगा पहले को पर्टिकुलर uh, इंटीग्रल आ गया देन हमने वाई सी प्लस वाई पी करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है समझ आ गई इस बात की यहाँ पर ये यह भी पॉइंट नोट कर लें प्रीवियस मैंने शायद मिस हो गया होगा इसमें d को d का मतलब है डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का सिंपल मल्टीप्लाई करो हर टर्म के साथ देन जहाँ जहाँ d आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो ठीक है होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको ओके थैंक यू सो मच